नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नितिन द एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से घर में पुरानी चीज़ों से हम एक यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं एक हैंगिंग लाइट, जो कि आप अपने ड्राइंग रूम या लिविंग रूम के अंदर लगा सकते हैं। लाइट बनाने के लिए हमें एक पीवीसी पाइप की ज़रूरत होगी, जो 1 फुट का है। उसके अंदर हम ड्रिल से छेद करेंगे, होल्स बनाएंगे। ये एक नॉर्मल पीवीसी पाइप जो होता है हमारा, वो लिया हुआ है। इसको 1 फुट यहाँ से मैंने काटा है। उसके बाद इसमें मैंने निशान लगाए, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे पेंसिल के निशान से, पहले 1-1 इंच का गैप रखा है इन सभी होल्स में। उसके बाद अल्टरनेटिव जो होल्स हैं, एक थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है। इसी तरह मैंने चारों तरफ से ये होल्स कर लिए हैं, और ऊपर ये मैंने 4 स्क्रूज के लिए छेद करके स्क्रू लगाए हैं। इसको मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ, एक पीवीसी पाइप है जिसके अंदर हमने बहुत सारे होल्स कर लिए हैं। फिर ये मेरे पास ये लकड़ी का इस तरह कुछ था, ये होल्डर जिसके अंदर मैंने चेन लगा दी है, तो ये मेरा हैंगिंग का बन गया है। एक ये होल्डर चाहिएगा जो सबके घर में मिल जाता है, नहीं तो बाजार से 15 रुपए का आ जाता है। एक ही वायर चाहिएगा हमें। इसको हम यहाँ लगा देंगे इस प्रकार। एक ही वायर लेंगे, वायर को हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। आइए सबसे पहले इस तार को इसके अंदर से लगाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, छेद किया हुआ है हमने। पहले इसको आप निकाल लीजिए बाहर। उसके बाद आप इसको चेन के अंदर से इसको आप पिरो लीजिए, चेयर के अंदर ऐसे धीरे धीरे आप इसको इसके अंदर से पिरो लेंगे, तो ये चेन का ही पार्ट बन जाएगा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी हमने एक छेद किया हुआ है, उस तार को हम इसके अंदर से घुसाएंगे। और दूसरी तरफ से हम इसको निकाल लेंगे।
जो हमारा तार हो चुका है कंप्लीट। तो ऐसे इसको कट करेंगे। अभी इसके पीछे हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। अभी हम इसको यहाँ पे स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा बाहर करेंगे सभी को थोड़ा थोड़ा। दोबारा ट्राई करते हैं इसको हम अंदर लगाने की। यहां से ये हमारा अंदर चला गया है। अभी हम क्या करेंगे, जितने भी स्क्रूज हैं सभी स्क्रूज को हम टाइट कर देंगे। स्क्रूज टाइट करने का मतलब है कि जब हम इसको हैंग करेंगे तो हमारा होल्डर बाहर नहीं आएगा। बहुत ही आसानी से बनने वाली चीज है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है DIY की तो जरूरी नहीं है कि आप ये जो छेद हैं ये होल्स आप ड्रिल से ही करें। आप गैस के ऊपर किसी लोहे को गर्म करके भी ये छेद बना सकते हैं, या कोई और भी डिजाइन जो आपको अच्छा लगे आप वो डिजाइन बना सकते हैं। मेरे को तो होल वाला डिजाइन ठीक लगा।
अब आप देखेंगे कि बाहर से ये देखने में कुछ इस प्रकार का है। अब ये देखिए, अब ये इसको हमें आगे ऊपर नहीं आने देगा हमारे इसको, और जो हमारा बना है ये हमारा तैयार हो गया है। ऐसे हैंग हो जाएगा ये, इस प्रकार ये हैंग हो जाएगा, ये सीलिंग पे लग जाएगा। इसके लिए हमने होल्स कर लिए हैं यहाँ पे। अभी इसको एक पेंट करेंगे, पेंट के बाद देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाथ तो बड़ा है, इसमें ये बल्ब कैसे लगेगा। बल्ब लगाने का तरीका है, आप इसको ऊपर करिए बिल्कुल यहाँ पे इसके पास ऐसे, तो ये नीचे आ जाएगा। आप देखेंगे होल्डर हमारा नीचे आ गया है। इसके अंदर अब हम यहाँ पे बल्ब लगा देंगे। बल्ब लगाने के बाद हम धीरे धीरे अब ये हमारा तैयार हो गया है। मैं अब आप इसको एक बार जला के दिखाता हूँ। ये एशियन पेंट्स के कलर्स हैं, ये येलो है, ये ब्लू एंड रेड। अब हम इसके ऊपर पेंट करने वाले हैं। तैयार हो गया है। इसमें हमने तीन कलर किए हैं, आप चाहें तो कोई भी कलर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको इस प्रकार के और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें।